गाइज, अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी है और आपके पास लिमिटेड डेटा है, आप अपने मोबाइल का यूज़ करके इंटरनेट चलाते हो अपने पीसी या लैपटॉप में, और आपका जो डेटा है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, 5 मिनट में 10 मिनट में जो जितना भी डेटा है आपका, 1 GB, 1.5 GB, 2 GB, 3 GB, वो एकदम ख़त्म हो जाता है, एकदम कंज्यूम हो जाता है। तो गाइज़, आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इसका 100% वर्किंग सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ, जिसका यूज़ करके आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली रिमूव कर सकते हो और बहुत ही आसानी से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताने वाला हूँ, जिनको आप अपने पीसी पर कर लेते हो तो आपका जो डेटा है वो बच जाएगा, जितना आप यूज़ करोगे उतना ही डेटा आपका कंज्यूम होने वाला है, 1 MB आपका एक्स्ट्रा कंज्यूम नहीं होगा। जो आपका लिमिटेड डेटा होता है वो आप बहुत ईजिली यूज़ कर पाओगे अपने लैपटॉप पर, जो कोई भी काम आप आसानी से अपने लैपटॉप पर अपने मोबाइल डेटा से पूरा कर पाओगे, और पूरा दिन आपका जो डेटा है वो लैपटॉप पर भी चलेगा। तो कौन सी सेटिंग्स है वो गाइज आपको वीडियो में आगे पता चलेगा, तो वीडियो को स्किप ना करें, जिससे कि कोई भी सेटिंग्स रह जाती है तो गाइज आपका काम पूरा नहीं होगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपको हर एक स्टेप अच्छी तरह समझ में आ सके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, नंबर वन सेटिंग जो आपको करनी होगी अपने पीसी पर, वाईफाई मीटर्ड कनेक्शंस। जैसे आप वाईफाई से कनेक्ट करते हो अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट के थ्रू, तो आपने कनेक्टेड वाईफाई पे राइट क्लिक करना है और गो टू सेटिंग पे जाना है, और यहाँ पर जो भी आपने वाईफाई कनेक्ट किया हुआ है उस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेट एज मीटर्ड कनेक्शन, सिंपली ऑफ होता आपने इसको ऑन कर देना है। ठीक है, आप इसको सेटिंग से भी आ सकते हो डायरेक्टली, सेटिंग आएंगे और यहाँ पर आपने नेटवर्क एंड इंटरनेट पर आएंगे, वाईफाई पर आएंगे और कनेक्टेड डिवाइस पर आके आप यहाँ से इसको सेट एज मीटर्ड कनेक्शन पे क्लिक करके इसको ऑन कर देंगे। दूसरी सेटिंग गाइस जो आपको करनी होगी, टर्न ऑफ बैकग्राउंड एप्स। बहुत सारे ऐप्स हमारे बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं, ऐसे में गाइस वो भी काफ़ी सारा डेटा हमारा कंज्यूम करते हैं, तो आपने उन सबको टर्न ऑफ कर देना है वन बाय वन। तो गाइस, इनको टर्न ऑफ करने के लिए सिंपली आपने सेटिंग में जाना है, प्राइवेसी में आएगा और यहाँ पर आपको बैकग्राउंड एप्स का एक ऑप्शन दिखेगा, जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे बैकग्राउंड एप्स, या आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो डायरेक्टली, सर्च बार में बैकग्राउंड एप्स सर्च करेंगे, बैकग्राउंड एप्स सर्च करके डायरेक्टली आप आ सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो गाइस, आप इनको सबको टर्न ऑफ कर सकते हो। बट हमको कुछ ऐप्स की यहाँ पर परमिशंस ज़रूरत होती है गाइस, जैसे आप यूज़ करते हो कुछ ऐप्स इनमें से, तो वहाँ पर आप मैन्युअली कर सकते हो वन बाय वन, अगर आप सबको करना चाहते हो आप ऊपर से कर सकते हो, अदरवाइज़ जैसे ये 3D व्यूअर है, इसको हम यूज़ नहीं करते, अलार्म्स यूज़ नहीं करते, गेम यूज़ नहीं करते, कैलकुलेटर का यूज़ करते तो इसको हम रहने देते हैं, कैमरा का यूज़ करते हैं, कनेक्ट कोर्टाना का यूज़ नहीं करते, टर्न ऑफ डेल कस्टमर कनेक्ट टर्न ऑफ कर देगा, डेल हेल्प एंड सपोर्ट टर्न ऑफ कर देगा, डेल प्रोडक्ट एंड रजिस्ट्रेशन डेल प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन टर्न ऑफ कर देगा, ड्रॉप बॉक्स प्रमोशन टर्न ऑफ, फीडबैक आपको टर्न ऑफ करेगा, फिल्म एंड टीवी को टर्न ऑफ, गेट हेल्प को, ग्रूम म्यूजिक यूज़ करता हूँ मैं, इंस्टाग्राम मेल एंड कैलेंडर मैप्स टर्न ऑफ कर देगा, पीसी पर यूज़ नहीं करते हम, और यहाँ पर इसको माइक्रोसॉफ्ट फोटोज यूज़ करता हूँ। तो यहाँ से अपने हिसाब से आप देख लीजिए गाइज, जिसको आप यूज़ नहीं करते गाइज उसको गाइज आप यहाँ से टर्न ऑफ कर देंगे। तो गाइज आपने इनको टर्न ऑफ कर देना है। नंबर थर्ड सेटिंग गाइज जो आपको करनी है वो है विंडोज ऑटोमेटिक अपडेट। तो गाइज हमारी जो विंडोज होती है वो ऑटोमेटिक अपडेट पे लगी होती है, ऐसे में गाइज आपको अपनी विंडोज़ को सेटिंग से इसको टर्न ऑफ कर देना है। सिंपली आपने स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करके सेटिंग पर आएंगे और यहाँ पर आपने अपडेट एंड सिक्योरिटी पर आएंगे, विंडोज़ अपडेट पर आएंगे और यहाँ पर एडवांस ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पर आप इनको टर्न ऑफ कर देंगे सारी सेटिंग्स को, और यहाँ से आप पॉज अनटिल पर क्लिक करेंगे और लास्ट वाली डेट को आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, लास्ट वाली डेट को सेलेक्ट करेंगे। एंड गाइज आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग्स है वो आपको यहाँ से टर्न ऑफ करनी है, विंडोज़ अपडेट को आपने परमानेंटली इसको डिसेबल करना होगा। यहाँ से आपने सर्च बार में टाइप करना है सर्विसेज,
सर्विसेज टाइप के सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर आपने किसी एक को सेलेक्ट करना है और डब्लू प्रेस करना है। यहाँ पर आपने डब्लू वाली सीरीज में जाना है और यहाँ पर आपको दिखेगा विंडोज़ अपडेट का। सिंपली आपने इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आपने स्टार्टअप टाइप में ही ऑटोमेटिक है तो आप इसको यहाँ से डिजेबल कर देंगे। और यहाँ पर ये सर्विस स्टेटस में दिखा रहा रनिंग, तो स्टॉप पे क्लिक कर देगा, स्टॉप अप्लाई पे क्लिक करेगा, ओके। तो ये सेटिंग गाइज आपने ज़रूर अपने पीसी पर कर लेनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। उसके बाद गाइज आपने एक सेटिंग और करनी है, टर्न ऑफ पीसी सिंक। पीसी सिंक को भी आपको टर्न ऑफ कर देना है। सिंपली सेटिंग पर आएगा, अकाउंट पर आएगा और यहाँ पर सिंक योर सेटिंग पर क्लिक करेगा और यहाँ पर इसको टर्न ऑफ कर देगा। नेक्स्ट सेटिंग गाइज जो आपको करनी होगी, टर्न ऑफ ऑटो अपडेट्स एप्स फ्रॉम ऐप स्टोर। तो गाइज ऐप स्टोर पर हमारे काफ़ी सारे ऐप्स होते हैं जो हमारे पीसी में इंस्टॉल होते हैं, वो ऑटोमेटिक अपडेट होने लगते हैं। अब जैसे आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो अपने पीसी को तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट होने लगते हैं, तो ऐसे में उनको आपको टर्न ऑफ कर देना है। सिंपली आपने ऐप स्टोर ओपन करना है, यहाँ पर आपने थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेटिंग पर आएगा, सेटिंग सेलेक्ट करेगा, यहाँ पर देख सकते हो ऐप अपडेट्स, अपडेट ऐप्स ऑटोमेटिकली, तो आपने इनको टर्न ऑफ कर देना है। शो प्रोडक्ट ऑन टाइल, ये भी आप टर्न ऑफ कर देंगे। वीडियो ऑटो प्ले, इसको भी टर्न ऑफ कर देंगे। और ये एक्सबॉक्स ऐप, इसको भी आप टर्न ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट सेटिंग गाइज जो विंडोज अपडेट होती है उसको आपको परमानेंटली यहाँ से डिजेबल करना होगा। तो गाइज आपने करना क्या है, सर्च बार में टाइप करना है रेग एडिट, तो रजिस्ट्री एडिटर ये यहाँ पर दिखेगा आपके पीसी पर प्री इंस्टॉल होगा ये ऐप। इसको ओपन करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर गाइज आपको करना क्या होगा, एच लोकल की मशीन का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर गाइज पॉलिसीज का एक ऑप्शन दिखेगा आपको, पॉलिसीज को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर गाइज पॉलिसीज में आपको विंडोज़ का एक ऑप्शन दिखेगा, विंडोज़ पर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर न्यू का एक ऑप्शन दिखेगा, इस न्यू पर क्लिक करेंगे, की को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये आपने टाइप करना है इसमें कैपिटल ए और कैपिटल यू, एंटर प्रेस कर देंगे। अब गाइज हमको ए यू को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर राइट साइड में आपने राइट क्लिक करना है, न्यू सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपने डी वर्ल्ड 32 बिट वैल्यू सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर आपको टाइप करना है नो कैपिटल एन और स्मॉल ओ ए यू टी ओ ऑटो अपडेट, ठीक है। फर्स्ट लेटर इसके कैपिटल होना चाहिए, एंटर प्रेस करेंगे। अब इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके तो गाइज ये वैल्यू डेटा में आपने वन सेट कर देना है, वन। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे और इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेटिंग गाइज आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर की को प्रेस करना है और यहाँ इसमें टाइप करना है gp edit.msc। तो ग्रुप पॉलिसी एडिटर को आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पर गाइज आपने कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशंस को सेलेक्ट करना है, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशंस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर गाइज आपने एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर विंडोज़ कंपोनेंट का एक ऑप्शन दिखा, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको विंडोज़ अपडेट का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। राइट साइड में काफ़ी सारे ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर गाइज आपको एक ऑप्शन दिखेगा कन्फिगर ऑटोमेटिक अपडेट्स, सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर डिजेबल सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ओके। सो गाइस देखा कितना इजी है, इस तरीके से ये सेटिंग्स करने के बाद जो हमारा डेटा है वो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कंज्यूम नहीं होगा और जो हमारा पीसी है वो लिमिटेड डेटा ही यूज़ करेगा। जितना हम ब्राउजिंग करते हैं, जितना हम यूज़ करते हैं उतना ही वो हमारा डेटा को कंज्यूम करेगा, एक MB भी एक्स्ट्रा वो कंज्यूम नहीं करेगा। तो गाइस मैंने आपको काफ़ी बढ़िया सेटिंग्स ये बता दी है, अगर आप ये प्रॉपरली अपने लैपटॉप या पीसी पर कर लेते हो तो आपका डेटा सेफ रहेगा। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। गाइज वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। गाइज अगर आपके मन में कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके साथ आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।